चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चलो चला जाता हूँ किसी की धुन में। चलो, let's get started with Shimble Shanks, The Railway Cat, the poem written by T.S. Eliot, explained by your own T.S. Sudhir. Welcome to Study with Sudhir. Do subscribe to the channel. Before we start with the poem, this is Mr. T.S. Eliot, and this is a copy of the kind of cover which was made for Shimble Shanks, The Railway Cat. You can see Shimble Shanks dressed as a railway official who is supervising जो भी काम उस ट्रेन में होता है उसकी सुपरविजन दिस पर्टिकुलर रेलवे कैट डज। सो लेट्स नाउ गेट टू द पोएम, बट बिफोर दैट आई आल्सो वांट टू टेल यू दैट शुरुआत में ऐसा लगेगा कि ये बहुत सिली सी पोएम है, ये तो कोई नर्सरी एलकेजी यूकेजी टाइप ऑफ पोएम लग रही है, लेकिन टीएस एलियट हु हैज रिटन सम वेरी ड्रामेटिक एंड वेरी सीरियस पोएम्स से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की पोएम लिखेंगे। और ये ऐसी पोएम है भी नहीं, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि किस माहौल में टीएस एलियट ने अपने पोएम्स, अपने नॉवेल्स, जो भी लिटरेचर लिखा वो किस तरह के माहौल में लिखा। एंड दैट इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब वे लिख रहे थे, दिस पोएम वाज रिटन इन द 1930s, और 1930s चूंकि आपने इतिहास पढ़ा हुआ है आपको मालूम होगा कि 1930s का दौर था जबकि डिक्टेटरशिप्स का चलन था यूरोप में, मुसोलिनी एंड एडोल्फ हिटलर खास तौर पे इटली और जर्मनी में। सो एक तरह से उस तरह का माहौल था कि जहां पर एक शासक पूरे देश पर शासन इस तरह से करता था जहां पर किसी भी तरह की डेमोक्रेसी की छूट नहीं थी, डिक्टेटरशिप था। तो यहां पर जो शिम्बल शैंक्स है, हालांकि ही इज टेकिंग गुड केयर ऑफ ऑल द पैसेंजर्स ऑन द ट्रेन, in terms of character, in terms of personality, Shimble Shanks is also like a dictator. He does not allow any freedom. He does not like if people do any kind of rowdy or fun behavior, right? So there is that element ki big brother is always watching you. तो एक तरह के अंडरलाइंग थीम जो पोएम की है, जो कविता का अंडरलाइंग थीम है, that is T.S. Eliot's commentary against the kind of atmosphere that was prevalent in Europe at that time in the 1930s. So the cat is एक तरह से एक चतुर शासक है, चतुर डिक्टेटर की तरह है जो कि हर गतिविधि पर नजर गड़ाए बैठा है। So it is about Shimble, a cat. Maybe you would also want to know कि ये टाइटल क्या है, ये Shimble Shanks का कुछ मतलब है या नाम है। Now Shimble, it's a playful name. Shimble is shows that it is he's a cat-like figure. And Shimble also means a very fast-moving creature, जो कि काफी चतुराई से और काफी जल्दी से he moves. Okay, Shanks refers to the legs from the knee, घुटने से ankle तक के portion को Shanks कहते हैं, right? So the name combines to kind of convey an agile personality, कि काफी जल्दबाजी में ये personality चलता है। दूसरी बात ये थी, and this would amuse you, that T.S. Eliot has actually very fond of cats. He had a large collection of cats, and I think it is also written in the first page of your book. जो author का note है उस पर आप हमेशा नजर लगाएं, उसको पढ़ें, क्योंकि अब चूंकि critical analysis questions काफी सारे पूछे जाएंगे। जो मैंने अभी आपको background दिया, that's also very important in order to be able to place the poem in the overall context कि किस तरह के, like for instance, अगर हम आज की तारीख में 2023 में कुछ नॉवल या कुछ कहानी या कोई कविता लिखते हैं, ओके, उसको पढ़ा जाता है लेट्स से 2080 में, ओके, 2075 या 80 में जब उस कविता को पढ़ा जाएगा तब ये जानने की कोशिश हमेशा की जाएगी कि उस समय पर जब इस व्यक्ति ने ये कविता या ये कहानी लिखी तब उस तरह का उस समय का माहौल क्या था, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, या अगर मैं एनवायरनमेंट के बारे में लिख रहा हूं तो एनवायरमेंटल स्थिति क्या थी, ज्योग्राफिकल स्थिति क्या थी, जियोपॉलिटिकल स्थिति क्या थी। सो दैट द कॉन्टेक्स्ट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जानना काफी जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं जो मेरे जो शुरुआत में जो मैंने बताया उस पर ध्यान दीजिए, एंड जो नोट लिखा है बॉक्स में उस पर भी आप उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिए। सो लेट्स नाउ गेट टू द पोएम, मजा आएगा। सिट बैक एंड रिलैक्स ऑन दिस रेलवे जर्नी। ओके, Okay, so this is now the text, Kimball Shanks, The Railway Cat by T.S. Eliot. The first line is, there is a whisper down the line. There is a whisper down the line. Now, down the line का मतलब क्या है? It can refer to the railway line, the railway station. Okay, पूरे जगह पर, पूरे प्लेटफॉर्म पर, पूरे रेलवे लाइन पर एक तरह से एक विस्पर चल रहा है, you know, धीरे धीरे सॉफ्ट टोन पर लोग बात कर रहे हैं। और समय क्या हुआ है? समय हुआ है रात के 11:39, 39:40 या 39। ओके, when the night mail is ready to depart. Now ट्रेन का नाम है नाइट मेल और ये जाने के लिए तैयार है। Saying, और वो विस्पर क्या है कि किम्बल, where is किम्बल, किस किम्बल कहाँ है, क्या ये थिम्बल को ढूंढने के लिए गया है। थिम्बल इज ए स्मॉल मेटल और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट योर फिंगर व्हाइल यू आर सुइंग। ओके, जब सिलाई का काम करते हो तो अपनी उंगली को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको एक मेटल या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को यहां पर लाते हैं ताकि आपको उस पे चुभे नहीं, आपको किसी भी तरह की चोट ना पहुंचे। तो एक तरह से ये जो किम्बल और थिम्बल का यूज किया गया है, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक प्लेफुल, इट डजंट रियली मीन that in so many words. Okay, we must find him or the train can't start. कि जब तक किम्बल नहीं आएगा ट्रेन नहीं जा सकती है, शुरुआत नहीं हो सकती है, वो रेलवे स्टेशन को छोड़कर नहीं जा सकती है। All the guards and all the porters and the station master's daughters, they are searching high and low. High and low मतलब हर जगह पर उसको ढूंढ रहे हैं। Okay, they are kind of searching all over the place means all places. Saying Kimball, where is Kimball? Unless he is very nimble. Nimble का मतलब someone who is very quick and agile in his movement, कि काफी जल्दी से वो movement कर लेता है। So nimble का मतलब, nimble is another synonym for agile. Okay, for to convey agility. Then the night mail just can't go, कि night mail नहीं जा सकती है तब जब तक Kimball पेश नहीं होता है। At 11:42, then the signal is nearly due. Okay, 3 मिनट और हो गए हैं, सिग्नल गिरने वाला है, ट्रेन के जाने का समय हो गया है। And the passengers are frantic to a man. Frantic to a man मतलब everyone is searching frantically. Frantically का मतलब काफी, you know, घबराए हुए, काफी टेंशन में, काफी एंजाइटी में सब लोग इस किम्बल को ढूंढ रहे हैं। Okay, they are searching frantically. उस समय पर then Kimball will appear and he will saunter to the rear. Rear मतलब पीछे का पोर्शन, saunter मतलब walking around lazily, you know, अरे कुछ भी हो अपने को फर्क नहीं पड़ता है, चला जाता हूं किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए, मेरा गाने का मन ज्यादा करता है। Saunter मतलब move around in a lazy manner. Okay, he has been busy in the luggage van. और वो luggage van में कुछ काम कर रहा था। तो इससे पता क्या चलता है? आपने पहला स्टैंजा पढ़ा, इससे आपको क्या पता चला? पहली बात, किम्बल काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिसके बिना ट्रेन तो बिल्कुल स्टेशन छोड़कर नहीं जा सकती, हालांकि उसके जाने का समय हो गया है। दूसरी बात ये पता चलती है, कुछ भी हो हम तो बड़े रिलैक्स्ड हैं भैया, ओके, हम तो आराम से आएंगे। तो किम्बल की पर्सनालिटी ऐसी है। तीसरी बात जो एस्टैब्लिश होती है वो ये है कि किम्बल काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ओके, ही इज एन इंपॉर्टेंट ऑफिशियल। ओके, थिंग्स कैन नॉट मूव विदाउट हिम। बट देयर इज आल्सो सस्पिशन कि वो लगेज वैन में कर क्या रहा था भाई। Okay, तो he's creating a sense of suspense, the poet T.S. Eliot. So Hunt the Thimble, दूसरी बात आपको एक और बतानी है कि जो Hunt the Thimble is also a children's game, उस समय पर जिसमें एक प्लेयर एक किसी भी चीज को छुपा देता है, usually a thimble, और other players have to search it. तो थिम्बल को हंट करने का जो रेफरेंस है वो चिल्ड्रंस गेम की तरफ भी किया है T.S. Eliot ने। सो ये दो रेफरेंसेस हैं। उस समय पर he gives one flash of his glass green eyes. Now, glass green आपको याद रखना पड़ेगा, you can use this as a key phrase अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए उसकी पर्सनालिटी के बारे में। ओके, तो आप इसको एक की वर्ड के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द सिग्नल गोज ऑल क्लियर, चलो भाई ट्रेन छूट गई स्टेशन से। एंड वी आर ऑफ एट लास्ट फॉर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। सो ट्रेन कहां जा रही है? टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दैट इज द सॉरी डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रेन। You may say that by and large, it is Kimball who is in charge. Kimball is the person who is in charge of the train of the sleeping car express. So पहले नाइट मेल नाम दिया, दूसरा नाम दिया है स्लीपिंग कार एक्सप्रेस. इसमें 3 या 4 नाम और आते हैं पूरे. ओके, इन सभी नामों को आपको याद रखना पड़ेगा एमसीक्यूज के लिए. एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नाम इस ट्रेन का नाम नहीं है या है. ओके, तो नाइट मेल, देन दूसरा स्लीपिंग कार एक्सप्रेस. From the driver and the guards to the bagman playing cards, he will supervise them all more or less. Supervise मतलब सब पर नजर रखेगा, ड्राइवर पे भी, गार्ड्स पे भी, और जो भी पत्ते खेल रहे हैं उन पर भी नजर रखेगा. Down the corridor he paces and examines all the faces. सभी चेहरों को ध्यान से देखेगा. Of the travelers in the first and the third compartment, he establishes control by a regular patrol. That is, he will keep moving. ऐसा नहीं है कि एक जगह पर बैठ जाएगा. He will keep moving from one end to the other, and he would know at once if anything occurred. कुछ भी हो जाए उसकी जानकारी Kimball Shanks को रहेगी. वो तुमको देखेगा अपनी, he without winking he will look at you and he sees what you are thinking. और उसकी नजर इतनी तीखी है, इतनी तेज तर्रार है कि आप क्या सोच रहे हैं वो भी वो जान जाएगा. सो थोड़ा सा एग्जैजरेशन, हाइपरबोलिक का इस्तेमाल किया गया है. ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई बिल्ली या कोई गार्ड भी हो, कोई ऑफिशियल भी हो, वो तुमको देख के समझ जाए कि तुम क्या सोच रहे हो. तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल को देखने, एस्टैब्लिश करने के लिए इस तरह की लाइन का इस्तेमाल टीएस एलियट ने किया है. एंड इट इज सर्टन ही डज नॉट अप्रूव ऑफ हिलैरिटी. को जो Kimball Shanks को पसंद नहीं है वो ये है कि किसी तरह का राउडी बिहेवियर हो, वो उसको पसंद नहीं है. कि कोई शोर शराबा वगैरह करे उसको पसंद नहीं है. रायट मतलब कोई झगड़ा वगैरह हो उसको पसंद नहीं है. और ये लोगों को मालूम भी है कि Kimball Shanks को ये पसंद नहीं है, तो लोग चुप रहते हैं. ओके, व्हेन Kimball इज अबाउट एंड ऑन द मूव, जब वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा हो तो सब फिंगर ऑन द लिप्स, चुपचाप रहते हैं. यू कैन प्ले नो प्रैंक्स, कोई शरारत नहीं कर सकते जब Kimball Shanks वहां पर हो. ही इज अ कैट दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. ही इज समवन जिसको कि आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. सो नथिंग गोज रॉन्ग ऑन दी नॉर्दर्न मेल. ये तीसरा नाम नॉर्दर्न मेल, नाइट मेल, स्लीपिंग कार एक्सप्रेस, नॉर्दर्न मेल. व्हेन Kimball Shanks इज ऑन द ट्रेन, ओ इट इज वेरी प्लेजेंट When you have found your little den. Little den मतलब आपका छोटा सा कंपार्टमेंट, उस पर आपका नाम भी होगा दरवाजे पर, एंड जो बर्थ होगा जिस पर आप सोएंगे वो काफी साफ सुथरा होगा with a newly folded sheet, and there is not a speck of dust. बिल्कुल भी मिट्टी धूल नहीं होगी जमीन पर, फ्लोर पर. एंड देयर इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ लाइट, यू कैन मेक इट डार्क और ब्राइट, यानी कि वो लाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं उसकी ब्राइटनेस को. देयर इज अ हैंडल दैट यू कैन टर्न टू मेक ए ब्रीज, यानी कि आप फैन को चालू कर सकते हैं. देयर इज अ फनी लिटिल बेसिन वेयर यू आर सपोज टू वॉश योर फेस. सो इट्स सभी सुविधाएं उस ट्रेन कंपार्टमेंट में आपके बर्थ के आसपास रहेंगी. ओके, एंड विंडो को शट करने के लिए क्रैंक, क्रैंक का मतलब लाइक अ हैंडल. ओके, ए लीवर टू ओपन और शट दी विंडो. ओके, अगर आप छींक रहे हैं जैसे मैंने अभी छींका. ओके, देन द गार्ड लुक्स इन पोलाइटली एंड विल आस्क यू वेरी ब्राइटली. गार्ड पूछेगा, Kimball Shanks नहीं पूछेगा कि आपको अपनी मॉर्निंग चाय स्ट्रॉन्ग पसंद है या थोड़ी कमजोर पसंद है, पानी ज्यादा टाइप्स. Kimball उसके पीछे खड़ा है और वॉज रेडी टू रिमाइंड हिम, for Kimball won't let anything go wrong. So he will keep an eye कि every passenger is taken care of, कि हर पैसेंजर की that he is made comfortable, उस पर नजर लगाए रखे Kimball Shanks. And when you creep into your cozy berth, यानी कि आप अपने बिस्तर पर आराम से छोटी सी जगह है वहां पर ले रहे. यूरोप में जितनी भी ट्रेन होती हैं compared to Indian railways, you would be surprised to know this, they are very cramped compared to इंडियन रेलवेज, जिसको कि हम बोलते हैं कि क्रैम्प्ड है, बट यहाँ पे अगर इसको इंडियन रेलवेज को देखें इन कंपैरिजन टू रेलवेज इन यूरोप, दे आर एक्चुअली मच मोर स्पेशियस. एंड पुल अप द काउंटरपेन, काउंटरपेन द बेड स्प्रेड. यू ऑट टू रिफ्लेक्ट दैट इट इज वेरी नाइस टू नो दैट यू वोंट बी बॉदर्ड बाय माइस, कि चूहों का कोई डर नहीं रहेगा, वो सब रेलवे कैट को छोड़ सकते हैं. द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन, दिस इज अ टाइटल दैट हैज बीन यूज्ड, इसका इस्तेमाल आप अपने आंसर्स में कर सकते हैं. नाउ द थिंग इज दैट द लार्जर थिंग, जो मैंने बोला कि उस समय पर माहौल क्या था, राजनीतिक माहौल क्या था, तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि दैट दे विल टेक केयर ऑफ योर डे टू डे थिंग, लेकिन आपकी फ्रीडम नहीं रहेगी, आप पर हमेशा नजर रहेगी शासक की। शासक यहां पर कौन है? किम्बल शैंक्स है, राइट? ही इज द ऑफिशियल, लेकिन ही विल टेक केयर ऑफ ऑल योर नीड्स। तो यू आर काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग कि मेरी जिंदगी अच्छी से चल जाए, थोड़ी सी आजादी कम हो तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ शोर शराबा नहीं कर सकता, कुछ मजा नहीं कर सकता, वो सब नहीं हो सकता, लेकिन मेरी जरूरतों पर का ध्यान रखा जाएगा। सो दैट इज द कॉम्प्रोमाइज पीपल मेक इन अ डिक्टेटरशिप। सो इट इज इन अ वेरी सटल मैनर T.S. Eliot is kind of conveying that there won't be any mice. Mice का मतलब कोई चोर उचक्का नहीं आएगा in a general worldly sense. Train के sense में obviously train में चूहे तो होते ही हैं. Ugly things. In the watches of the night, he's always fresh and bright. Okay. Now he's talking about the fact that जब रात का समय हो तब सब सो रहे होते हैं, लेकिन he is always very fresh and bright. Every now and then he has a cup of tea, चाय पीता है, with perhaps a drop of scotch while he's on the watch, so that वो जगा रहे, तो a bit of scotch also. Keeping on the watch मतलब he's kind of keeping vigil and he's not asleep while the train is there, because it's a night express, it's a night mail. Only stopping here and there to catch a flea. Flea मतलब an insect. You were fast asleep at Crewe station जब आया और आपको पता नहीं चला कि वो स्टेशन प्लेटफॉर्म पर उतरकर आगे पीछे चल रहा था। आप तब भी सो रहे थे जब वो कार्लाइल स्टेशन पर बिजी था, where he greets the station master. तो इससे क्या पता चलता है? That he is a very friendly kind of a person. Okay, that he is a very friendly kind of a person. Here उसे पता चलता है that he is vigilant. Okay, and that he is generally taking care of everything. He greets the station master with elation. Elation मतलब with happiness. Okay, that he is happy to see the station master of Carlisle railway station, but you saw him at Dumfries. जब Dumfries आया तब तक आप जग गए थे. Where he speaks to the police, पुलिस से बातचीत करता है. If there is anything they ought to know about, कि कोई ट्रेन पर ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई यात्री है जिसके बारे में किसी तरह की शिकायत करनी हो, कंप्लेंट करनी हो, तो वो पुलिस से भी बात कर रहा है. When you get to Gallowgate, जब आप Gallowgate रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका डेस्टिनेशन है और वहां पर आपको उतरना है, और वहां पर किम्बल शैंक्स आपकी मदद करेगा ट्रेन से बाहर निकलने में. ओके, ही गिव्स यू अ वेव ऑफ हिज लॉन्ग ब्राउन टेल व्हिच सेज आई विल सी यू अगेन, यू विल मीट विदाउट फेल ऑन द मिडनाइट मेल. ये चौथा नाम. ओके, ऑन द मिडनाइट मेल, द कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन. तो कैट ऑफ द रेलवे ट्रेन, आपको कभी भी आप नाइट ट्रेन में सवारी कर रहे हैं उस समय पर वो आपसे जरूर मिलेगा. तो पता क्या चलता है? दैट ही इज अ वेरी अलर्ट कैट, बिली. He is a very intelligent cat. He takes care of every passenger's needs. He is almost like a caretaker, very responsible, very duty conscious. इन सभी शब्दों का आप अपने answers में इस्तेमाल कीजिए, जो भी शब्द मैं आपको अभी बता रहा हूं. Okay. Then they are getting the privileges, everything getting taken care of, but at the cost of their freedom, because उन पर हमेशा नजर रखी जा रही है by the thing. He is almost like a CCTV कि आप पर नजर है. बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पर नजर है. That way. Okay, so he doesn't approve of any kind of boisterous behavior. Okay, he wants everybody to be quiet and calm. Okay, तो ये तो हो गई ये कविता किम्बल शैंक्स द रेलवे कैट बाय टीएस एलियट, एक्सप्लेन बाय टीएस सुधीर. आई होप आपको समझ में आई तो लाइक बटन दबाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को. पूरा ट्रेजर चेस्ट, पूरा जूलियस सीजर आपके लिए यहां पर किया जाएगा. एंड ऑफ कोर्स द एंटायर कोर्स हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड ऑन द कोर्स ऑन द स्टडी विद सुधीर ऐप, विद नोट्स, विद क्वेश्चन आंसर्स, विद एमसीक्यू. सो अगर आपको उन सभी चीजों की जरूरत हो तो प्लीज एनरोल आउट देयर. यू विल फाइंड रियल गुड क्वालिटी मटेरियल आउट देयर. टाटा, बाय बाय.